अपनी साइकिल से जा रहा, सारा सामान गिरा रहा। काफी महंगा था बट उन्होंने, हम लोग रास्ते में मिल गए तो उन्होंने प्रसाद हमें दी। वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा कि इक्षित का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है, और हम लास्ट वाले ब्लॉग में इक्षित के लिए बैग भी लिया था, स्कूल बैग। अभी मतलब अभी तो दो दिन के लिए ट्रायल था तो इसको नॉर्मल घर के कपड़ों में जा रहा था, बट अब है ना उसकी स्कूल ड्रेस भी मिल गई है। बट शूज़ का तो ऐसा उन्होंने बोला है कि आप कोई भी शूज़ पहना के भेज सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो। बट हम सोच रहे हैं क्योंकि अभी जो इक्षित शूज़ पहनता है ना, तो वो क्या है कि पूरे बंद हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है जब ये काफ़ी टाइम तक पहनता है ना। तो हम सोच रहे हैं कि इसके लिए कुछ ऐसा खुला टाइप का सैंडल या ऐसा कोई शूज़ होना जो थोड़ा सा जिसमें हवा पास होती रहे, वैसा कुछ लेके आए, जिससे क्या होगा कि स्मेल भी नहीं आएगी और कंफर्टेबल भी रहेगा इतनी देर पहनने के लिए। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं इसके लिए शूज़ लेने, और इक्षित एकदम परेशान होकर आगे भाग रहा है। इशू नो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल। हम लोग को इतना टाइम लग गया मॉल पहुँचने में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आया है अपनी साइकिल से, साइकिल लेके आया है, बैठा हुआ है। तो हम जिस मॉल आए हैं उसका नाम है अल गुरेर, और मैं तो मतलब पहली बार आई हूँ। तो ये हमारा जो बिल्डर है ना, उन्हीं का है शायद। तो ये आ चुके थे पहली बार, आप पहले आप आए थे ना। मॉल है, मतलब मॉल के सेंटर बनाया हुआ है, मॉल टाइप ही है, मतलब मॉल ही है। अच्छा, लकी किड्स करके शॉप थी जो ऑनलाइन लेके हमने कहा आगे के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। चलो देख लेते हैं। शैतानी कर रहा, सब जगह अपनी साइकिल से जा रहा, सारा सामान गिरा रहा। ओपन करेंगे लॉलीपॉप, ओपन कर रहा, ला मम्मा ओपन करें। इक्षित किसी भी शॉप पर जाके इतना पागल हो जाता ना, उसको जीप कार सब चाहिए होता। अभी बड़ी मुश्किल में हम लोग उसको बॉल से निपटा के लेके आए हैं कि बॉल उसको मिल गई, तो बॉल उसने ले ली। अभी इक्षित के पापा करवा रहे हैं वहाँ पर बिलिंग। हमने एक लिया है सैंडल इक्षित के लिए और एक लिया है शूज़। काफ़ी महंगा था बट चलो ठीक है। हाथ में बॉल लेके अभी इसको जाना है वहाँ। नो डैडी, हम आ गए हैं शूज़ लेके। ये रहे शूज़, एक सैंडल ली, एक शूज़ लिया, और बहुत महंगा पड़ गया यार, 270 दिरहम का पड़ा, मतलब जो कि इंडिया का वही 6,500 के लगभग होता है। मतलब इतने के शूज़ तो हमारे भी नहीं आते कि हम इतने महंगे शूज़ ले लें। चलो लेकिन अब उसको स्कूल के लिए तो लेना ही था, ले लिया, इससे अच्छा एक ले लेते। कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी हम जा रहे हैं बाहर। मुझे तो चाय पीनी है भाई, देंगे कर दो भाई। मैं हम लोग बहुत दूर आए थे, हम लोग डेरा आए थे, मतलब इतना टाइम लग गया ना हम लोगों को आने में। तो हम लोग आए थे यहाँ पर, एक शॉप है मतलब जहाँ जिस मॉल में हम आए थे, तो लकी किड्स करके एक शॉप है। तो उनकी मतलब शूज़ भले ही महंगे हैं बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इतनी अच्छी कुशनिंग है ना कि मतलब बच्चों के लिए कुशनिंग होना अच्छी ज़रूरी है, नहीं तो फिर इतनी देर तक पहनना है, उनका पैर में दर्द होने लगे। तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, इसलिए भी महंगे हैं, और फिर कम्फर्ट ज़्यादा ज़रूरी है ना। 6 महीने की वारंटी दी है, कुछ भी ख़राब होता है तो आप आ जाओ, वो एक्सचेंज कर देंगे। और मतलब अगर कोई यहाँ पर रहता है और अगर स्पेशली अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए कुछ आइटम लेना चाहता है ना, तो वो आ सकता है लकी किड्स में। लकी किड्स क्या है, ये चेन है। और स्पेशली किड्स के लिए, मतलब जो स्कूल के किड्स हैं उनके लिए बैग वगैरह, बॉटल वगैरह काफ़ी चीज़ें थी और अच्छी अच्छी थी। वो तो हम लोगों ने ना कल ही ले लिया था बैग, नहीं तो हम बैग भी यहीं से ले थे, बहुत अच्छे अच्छे बैग थे, छोटे थे और हैवी नहीं थे ज़्यादा। बॉटल्स भी हैं, मतलब बच्चों के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं ज़रूरत की होती हैं बाहर घूमने के लिए। और इक्षित को 20 दिरहम की बॉल भी मिल गई फ्री, नहीं तो आपको कार दिलानी पड़ती। जीप इक्षित पसंद कर रहा था, 69 दिरहम की, 100 दिरहम की थी भाई, 100 दिरहम की जीप पसंद कर रहा था, मतलब समझ लो आप 2,500 की, और वो घर जाके फेंकनी है उसको, तोड़नी है। चलो अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट में, पार्किंग में जाना है।
आपको घर जाके दिखाते हैं शूज और सैंडल। हाँ, जहाँ पर सेंटर है ना तो सबके नंबर दिए हुए हैं कि आप यहाँ यहाँ जाके देख सकते हो। चलो, कहाँ है कार? इक्षित की बॉल, इसमें लाइट भी जलती है। इक्षित, लाइट जला के दिखाओ, लाइट जला के दिखाओ बाबू। तो सोच रहा क्या से जला के दिखाए। वैसे सही है इक्षित की ये साइकिल, थोड़ा तो इसमें बैठ जाता तो थोड़ा कंफर्ट रहता। अब इसको पहले पूरा तो हटाना पड़ेगा तब रख पाएगी। मेहनत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हेल्प करें क्या कुछ? पहले ये डंडा निकालो, फिर ये निकालो, फिर जाके रखती है। ये तो इजी है खैर। वो थोड़ा टाइट होगा ना ज़्यादा। ये भी निकल गया, ये भी गिर जाता है। चलो अभिक्षित, तुम निकलो। ये चलो, इसे फेंका ही नहीं आपने कहीं? अभी डस्टबिन ही नहीं मिला वहाँ, ऐसे रख दो, अभी फेंक देंगे वहाँ घर पर। और ईशू को तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों ईशू, इनको मतलब है सिर्फ कार से, बॉल से। ये इनका पैकेट, सुंदर सा, क्यूट। इसमें आपके लिए शूज हैं बाबू, शूज हैं। हाँ, शूज हैं इसमें आपके लिए। और इक्षित है ना, पता नहीं कुछ अलग ही अलग सीख के आ गया, कुछ अलग ही अलग बातें कर रहा, मतलब समझ नहीं आ रही इसकी बातें। अभी सुबह तो पता नहीं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, तो बोला मतलब कुछ बोल रहा था, बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाह रहा, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था। इस स्कूल से काफी कुछ सीख लिया है। वाओ, यीशु की बॉल में लाइट जल रही है। ओह लाइट, हैप्पी। रुक जाओ, उसको ऐसे करके दिखाया तो वो पैर पे मार रहा, पैर पे मार के लाइट जलेगी। तो ये है गाइस, यहाँ का देखिए एंट्रेंस है, ये लिखा है ना अलगुरेर सेंटर। हाँ, अलगुरेर सेंटर, यही है मॉल। भीड़ बहुत थी, जब हम लोग आए थे ना बहुत भीड़ दिख रही थी बाहर, भीड़ दिख ही रही थी, वो अभी नीचे भी दिख रही है, काफी भीड़ है। मॉल के अंदर भी भीड़ थी, मतलब क्या कहते हैं अपने वहाँ पे वर्जुमन में, कहाँ इतनी भीड़ रहती है। वर्जुमन सर बहुत बड़ा है ना। हाँ, काफी भीड़ दिख रही है बाहर, रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं चारों तरफ, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है। तो अभी हम आए हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी फेवरेट जगह प्रभुस, वहाँ से कुछ खाएंगे, आई थिंक चाइनीज खाएंगे या फिर गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत दूर से शायद वही खाएंगे। पर देखिए यहाँ से मिलेंगे गोलगप्पे, गोलगप्पे यहाँ बैठ भी सकते, बाहर भी, बाहर भी बैठने का है। अब अगर दे पाऊंगी सारे काम भी खा लो, मैंने भी ट्राई नहीं किया, उल्टे में नहीं आ रही सीधे में पकड़ा था। आंटी मिली तो उन्होंने हमें प्रसाद दिया, आज जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, शायद आज भी जन्माष्टमी का होगा। इसलिए आज वही हम सोच रहे हैं जन्माष्टमी, दो दिन थी पूजा। तो मैं दिखाती हूँ आपको प्रसाद दिया उन्होंने, हम लोग रास्ते में मिल गए तो उन्होंने प्रसाद हमें दिया, लड्डू दिया, केक भी था इसमें, केक इक्षित को दे दिया।
और हम और मतलब मैं तो सोच रही थी खाना इससे अच्छा खा के नहीं आते तो यही खा लेते। अभी आपको शूज और दिखाती हूँ इक्षत के कि हम लोग कौन से शूज लेके आए हैं। 6 महीने की वारंटी भी है तो इसके बॉक्स हम संभाल के रख लेंगे कि अगर कुछ होता है तो चेंज कर पाए। ये हैं 2 बॉक्स। ये हमने लिए हैं इक्षित के लिए सैंडल, बहुत ही कम्फर्ट मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही है, मतलब अलग लग रही है थोड़ी। तो ये है सैंडल और इनका कलर मुझे बहुत प्यार लग रहा था। अगर सैंडल भी अगर मैं मतलब भेजूँ इसको स्कूल ड्रेस में तो ये अच्छी लगेगी, जाएगी इसमें, क्योंकि जो इक्षित की स्कूल ड्रेस है वो ऑरेंज कलर की है तो उस पर ये बहुत अच्छे से जाएगी। तो एक ये ली है एंड शूज इतने ज़्यादा सुंदर है, इतने प्यारे शूज़ है ना, ये देखिए इतने ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम क्यूट क्यूट। मतलब मेरा मन भी हो रहा है कि अगर ऐसे बड़े शूज़ होते ना तो मैं अपने लिए भी ले लेती, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखिए। और ये जो है ना ये सिर्फ इसमें इक्षित ने पूरी प्लास्टिक की जो स्पून होती ना पूरी तोड़ दी थी खा रहा था। तो ये है शूज बहुत ही, और ये जो है ना ये जो ये सिर्फ डिजाइन के लिए है, वैसे ये इस तरीके से हो जाएगा इसका रिमूव और ये निकलेगा नहीं, वो बोल रहे थे कि इसको स्टिच किया गया है तो ये निकलेगा नहीं। बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं। ये रहे सॉक्स इक्षित के लिए वाइट कलर के। तो गाइज बस हम लोगों ने आज तो यही किया, मुझे लग रहा है ये ब्लॉग अगर बड़ा हो गया होगा तो मैं इतने ही इसको अपलोड करूँगी और अगर मुझे छोटा लगेगा तो कल भी मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूँगी, बाकी अगर मैं इतना ही अपलोड करती हूँ तो। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। वहाँ पर प्रसाद में केक भी मिला था ना तो मैंने इक्षित को केक दे दिया था, इक्षित का केक फेवरेट है तो इचू खा रहा है केक। केक खा रहे हो? यम्मी। हम दोनों माँ बेटे एकदम मैच कर रहे थे आज, कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे एक दूसरे को, और ईशु और मम्मा एकदम सुंदर सुंदर बेबी लग रहे हैं।